छोड़ूंगी नहीं आपको। क्या हुआ? ये आते ही बैठे मुझे आगे खोलो कुछ बना। मौसम दिखाती हूँ अभी भयंकर। आज मेरा मन कर रहा था व्हाइट सॉस पास्ता बनाने का। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सामान है नहीं तो सामान लेने चलते हैं हेवन में। गाइस मैं ना अभी शॉपिंग करके आ रही थी बट मेरी सब्जी भी लेनी थी। सब्जी और टमाटर के रेट पूछे गाइस। टमाटर के रेट बताया 120 रुपीज़ के जी। कौन लेगा? मैं तो टमाटर ही डालूंगी सब्जी में। अरे शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे आप लोगों को पता है बारिश हो रही है और कुछ तो खाने का मन कर ही रहा है तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले मैं बना दूँ पास्ता। मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ व्हाइट सॉस पास्ता और मेरे हस्बैंड ना व्हाइट सॉस पास्ता नहीं खाते हैं। वो खाते हैं नॉर्मल पास्ता। नॉर्मल वाला पास्ता तो उनके नॉर्मल पास्ता खाऊंगी बनाऊंगी व्हाइट सॉस पास्ता। तो गाइस मैं दिखाते हुए मैंने क्या क्या कर दिया है। ठीक है चलो। अभी यहाँ पे मैंने पहले पानी डाला था। पानी में ना हल्का सा नमक डाला, आधा चम्मच नमक और एक चम्मच ऑयल और फिर डाल दिया पास्ता ताकि जो पास्ता है ना वो एकदम मतलब चिपके ना। तेल डालने से आप लोगों को पता ही है चिपकते नहीं। सामान लेके आई थी, मैं लेके आई थी शुगर फ्री बिस्किट और मैदा जो कि मुझे व्हाइट सॉस पास्ता बनाने में यूज होगा। ये मैं पास्ता के दो पैकेट लाई थी। मुझे यारा शेप ज्यादा पसंद है क्योंकि ये अच्छे से पक जाता है। ये रही नमकीन जो कि बहुत ज्यादा यम्मी लग रही है। थोड़ी सी मैंने टेस्ट करके भी देखी है, यहाँ से खा रही थी और खाई ना बहुत अच्छी लग रही है। बॉम्बे मिक्सचर और ये हमारा वो वाला डब्बा है जिसमें हम लोग रखते हैं बिस्किट नमकीन बहुत सारी चीजें। ये खाने पीने के आइटम हम इसी में रखते हैं और अभी किचन बहुत फैला हुआ है क्योंकि मैं ये बना रही हूँ। अब मुझे लगता है कि इसको 2-3 उबाल में ही पक जाता है। बस इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का से इसको काट के चेक करेंगे कि ये पका है या क्या हुआ। मेरे हस्बैंड अभी तक घर नहीं आया है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है यार। पता फोन भी ऑफ आ रहा है, मुझे कॉल तो कर लेनी चाहिए थी। लेट हो गया यार, फोन भी ऑफ आना था आपका फोन। रिक्शा लेके आ गई गर्मा गर्म चाय, तो क्या चाय पीते हैं? चाय बस चाय मिल रही मुझको रात के 9 बजे क्योंकि आप 9 बजे आए हो और आपको ठंड लगे बारिश में भीग गए जिसमें आपको चाय बनाई। सीन ये है कि ब्रूनो बोला कि पापा मुझको भी बिस्किट विस्किट चाहिए बट हमने इसको बिल्कुल भी बिस्किट नहीं देते गाइस क्योंकि ना ये अगर इसको हम देंगे तो उसको आदत हो जाएगी। आदत होने के बाद ना ये बिल्कुल भी नहीं खाएगा। 32 हड्डियां थी और उसने 32 हड्डियां एक बिल्कुल खत्म कर दी वो भी शायद 5 डेज। पापा आ गए। क्या क्या
तो क्या कर रहे है? क्या क्या ये देखो तूने फाड़ा, अब तैयारी क्या कर रहा है? तूने फाड़ा क्यों कर रहा है इसको? दिखाओ दिखाओ। अंदर सुन रहा रे, मैं उसको बचाऊंगा नहीं। रात का 9:30 और इतना ज्यादा थकान हो गई थी ना, और इतना सर में भी दर्द हो रहा है, बस दीक्षा ने चाय में पिला के ना बहुत थोड़ा सा ठीक कर। आज गाइस जो बारिश हो रही थी ना, तो मुझको वाला डांस करने का मन कर रहा था जो आजकल बहुत फेमस चला है, बरसा बिचली मेरा प्यारू है प्यारू बॉय। इंतजार कर रहा था, मेरा वेट करता है सच्ची में, मतलब वहाँ पे जहाँ पे दरवाजा ना वहाँ पे जाके वेट करता है। बहुत नाराज है कल से ना, वो तो मैं हुई गाइस, मैंने ऐसा प्रैंक किया था ना दीक्षा ने, मतलब सोचा ही नहीं। बट गाइस प्यार तो प्यार ही है ना, जब प्यार होता है तो सिर्फ एक ही बार होता है। और देखो ये देखो मेरे प्यार में नाच रही है, बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में मैं तुझसे मिलने आया, जुदा हो गया ऐसा नहीं है, मैं तुझसे मिलने आया। गाइस बताना पूरी लाइन क्या है इसका आंसर। दीक्षा को आज खुश करने के लिए मैं दीक्षा के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ, जो कि दुनिया में सबसे महंगा गिफ्ट है, और मतलब बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, ऑफिस से आया हूँ ना डायरेक्ट। तो गाइस आज मैं सोच रहा हूँ कि दीक्षा के लोग कहते हैं मूड फ्रेश कर दूं, ताकि ये दीक्षा का मूड बेकार ना हो। कल से ही बहुत गुस्सा कर रही है कि आपने ऐसा प्रैंक क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था बट आपने किया। तो गाइस मैं दीक्षा को कहते हैं दीक्षा के लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। वो गिफ्ट सबसे महंगा है आज तक की मेरी जिंदगी में, मतलब 2016 से जब से मैंने प्रैंक किया है, और सबसे ज्यादा महंगा है। और गाइस आप भी बताना कि कितना महंगा है, क्योंकि ये एक अमूल्य गिफ्ट मैं दीक्षा के लेके आया हूँ। दीक्षा को कल तुम नाराज थी ना, आज मैं तुमको तुम्हारे तरह खुश कर दूंगा। और फिर अरे तो क्या हुआ, ये हमारा खेलने का टाइम है, और तुम वेब ब्लॉग में तो वैसे ही आओगी जैसे तुम हो, क्योंकि ये आईफोन है, आईफोन वैसे दिखाता है जैसे तुम हो। ठीक है आओ फिर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। दीक्षा कल से बहुत ज्यादा नाराज थी, मतलब तो फाइनली कहते हैं मतलब दीक्षा को खुश करते हैं। और अरे जब मैं बोला मैं आज बैंक से तुम्हारे खुद लेके आया हूँ, रास्ते में गाइस क्या कहता मन तो करता ही है ना कि अपनी पत्नी से कुछ लेके जाओ। कल से पता है दीक्षा ने कल रात खाना भी नहीं बनाया, खाने में क्या बनाया था तुमने? हाँ आलू के पराठे बताओ, और इसी गुस्से में। तो कोई नहीं, आज फिर शिक्षा क्या कहते मुझको आलू के पराठे नहीं खिलाएगी, आज कहते मनाली मेरे पास्ता, क्योंकि रिक्शा में से खुश है। चलो करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। इसमें तो नहीं, तो इसमें में दमचा है, ये भारा ले में। आज टमाटर सबसे महंगे हो रहे हैं ना, इसमें तो टमाटर लेके आया, नाराज हो रही हो, टमाटर महंगे नहीं हो रहे? भगवान का संदेह, आज मैं संदेह छोड़ूंगी नहीं आपको। क्या हुआ? ये आते ही बातें मजा अच्छे से। गाइस कैसा लगा मेरा प्रैंक? यार पत्नी के हाथ होती है सीरियसली। तुमको हिंट नहीं दिया था मैंने, व्हाट्सएप में गाइस अपडेट भी किया था कि टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं, और पता है कि सबसे ज्यादा महंगे हो रहे हैं। देख सकते हो 2 दिन पहले कर दी गाइस, मैं सिर्फ 250 ग्राम लेके आई हूँ। गाइस गाइस बताओ, उन पैसों से सिर्फ मैं दो टमाटर लाया, कम से कम सब्जी तो बन पाएगी। देखो हमने कल प्याज, उसमें तो तुमने प्याज डाला था, तो आज तो कम से कम टमाटर डाल देना। प्लीज यार टमाटर, यस फाइनली गाइस ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करना। मुझे रियल वाला गिफ्ट नहीं दिया ना तो मैं खा नहीं हूँ। ठीक है संडे को तुमको मैं दूंगा
बहुत स्पेशल गिफ्ट कसम से इतना यम्मी बनाया ना, मेरे तो इतने टाइम से मन करता व्हाइट सॉस पास्ता खाने का, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो आप लोगों ने भी देखा ना मैंने किस तरीके से बनाया, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना अगर आप लोगों को नहीं आता है तो। ओके गाइस, यहां ब्लॉग खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपका प्यार हमेशा साथ रहे, हमारा प्यार आपके साथ, आप स्वस्थ रहे हम स्वस्थ। तो गाइस मिलते हैं अपने ब्लॉग में उसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर महादेव, जय गुरु देवता की जय।